यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा हो गया सर। दोस्तों क्या हाल चाल। सो आई एम इन कोलकाता फॉर सम डेज एंड आज हम जा रहे हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने। सो ये फूड ब्लॉग तो हो नहीं सकता बट डेफिनेटली ये एक मतलब एक्सप्लोर ब्लॉग होगा। मैं 3 साल से कोलकाता में रहा हूँ बट मैं कभी इको पार्क गया नहीं। सो ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड अभी के नहीं है बट दे वेयर इन टाइम 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट भी यहाँ आने वाले हैं। स्पेशल गेस्ट नहीं, स्पेशल गेस्ट। सो गाइज अभी ये वीडियो का लास्ट है, ये मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो मतलब आज के स्पेशल गेस्ट इंट्रो लास्ट में दे रहे हैं तो इतना लेट कर दिए मुझे इंट्रो देने के लिए। मतलब मैं चाहता था कब इंट्रो देंगे लेकिन अभी वो मतलब आए। सो मीट प्रीतम दा। प्रीतम दा आ जाइए एक बार। हेलो। तो प्रीतम दा कैसा लगा आज इको पार्क में घूम के? भयंकर भयंकर। जस्ट लग रहा है आज मेरा जो पैड है वो खोल के हाथ में आ जाएगा। इतना बड़ा जगह है, ट्रस्ट मी गाइस, एक दिन में ये कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट। एटलीस्ट आपको 2 दिन चाहिए पूरा पार्क को कवर करने के लिए। और आज का जो मैंने दिन स्पेंड किया भाई के साथ, मतलब क्या बताऊँ, उतना भाषा नहीं है मेरे पास। करीबन हम लोग 8 महीना राइट 8 महीना बाद हम लोग मीट कर रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है रवि से मीट करके, क्या बताओ। और पूरा वीडियो आप देखेंगे, मजा आएगा राइट? एकदम। तो अभी मैं पहले से शुरू करूंगा ये वीडियो, ये आपको पहले दिखेगा और बाद का पोर्शन बाद में दिखेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी करना प्लीज। ज्यादा है बाहर आज, बहुत गर्मी, पता नहीं रात को ठंडी लग रहा है सुबह गर्मी लग रहा है। मुझे एंट्री का रास्ता पता है? नहीं मैं तो कभी नहीं आया, मैं भी जिंदगी में पहली बार आ रहा हूँ। मैं भी उतना आया, 3 साल मेरा हो गया लेकिन कभी आया नहीं। एंट्री टिकट है ₹30 पर पर्सन आई थिंक। ये तो खुश रहो हम जाने के लिए खाना दे रहा हूँ ना दादा, तू तो खुश रहो ना। मैं देखूँ क्या चीज़ है, तो इतना बड़ा पार्क है, ₹500 चेंज नहीं। सो अभी हमारे हाथों में हमारा टिकट आ गया है और अभी हम अंदर जा रहे हैं देखने के अंदर एक्चुअली में क्या क्या है। इसमें से ऊपर से बना देना चाहिए, इतना गैप दिया है। हाँ रास्ता टाइप का थोड़ा बना देना चाहिए। यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे थे गाइस, उनको हमने हटवा दिया, सॉरी। भीड़ देखो तो मुझे लग नहीं रहा है थोड़ा कोरोना वरोना चल रहा है। हाँ लग रहा है पूरा नॉर्मल है। हाँ मैं तो मतलब ये 1 साल के बाद ऐसे घूमने निकला। 1 साल के बाद। और क्या क्या है इको पार्क में, ये अच्छा व्यू है ना, ठीक है क्या? अच्छा मार रहा है।
अच्छा बहुत बड़ा है, बहुत, तू एक दिन में खत्म नहीं कर पाएगा। एफिल टावर है, सब जाएंगे एक दिन में खत्म। ये चलेंगे इसमें, इसमें जिंदा बचेंगे हम लोग, तो बच्चे लोगों का नहीं, बच्चे लोगों का, हाँ बच्चे लोगों का ही है। देखिए फैमिली वैमिली कुछ है अंदर, मेरे को तो नहीं लग रहा। कितनी ना की इटा चोरी कर ले सर, अच्छा बच्चे लोगों को घुमा रहा है वो लड़का, इसीलिए घूम रहा है, वो खुद गिर जा रहा है। इसके अंदर वो होता है, क्या बोलते हैं जिसको, अगर ये होता है अंदर से मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस। काया किंग 150, वाटर जॉर्ब 150, वाटर रोलर 150, लैंड जॉर्ब 150, एमटीवी 150 पर हेड, सब जूनियर 100, बेबी लाइक 75। लेकिन अच्छा है लेक, बहुत बड़ा, इसको क्या लेक बोलते हैं, तो सॉल्ट लेक नहीं है ये, राजाराट का है, राजाराट लेक, राजाराट नाम तो पहले पता नहीं ये था, क्या बोलते हैं उसको, मछली पकड़ने का जब जगह था ना, भेड़ी, हाँ तो ये भेड़ी था। अच्छा, इसको डेवलप किया, डेवलप करके पूरा टूरिज्म के लिए ये बना दिया। अच्छा सही है, यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा हो गया शायद। यहाँ पे थोड़ा लाइन को लेके झगड़ा चल रहा था, जो कि अभी शायद सॉर्टेड हो गया है। अब देख सकते हैं कितना लंबा लाइन है बोट पे बैठने के लिए, खतरनाक लंबा लाइन। यहाँ पे प्राइस है ₹100 पर हेड अबव 3 इयर्स ओल्ड, नो बोटिंग आफ्टर 5:30 PM लिखा है। सो लाइन किस प्रकार है, और गाइस अगर आप दो जन का साइकिल में बैठने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से दो जन वाला साइकिल भी कर सकते हैं। ये है एक डबल डेकर बोट जिसमें अभी यात्री चढ़ चुके हैं, और वो लास्ट जो आपको आईफेल टावर जैसा दिख रहा है, वहाँ से वो लास्ट तक पार्क है, पूरा चारों जगह इतना बड़ा पार्क है, तो आप एक दिन में पूरा पार्क नहीं घूम सकते। वो क्या, वहाँ पे रिजॉर्ट है ना, कैफे का, वहाँ पे बीच में एक आइलैंड है, आइलैंड टाइप का है, उसमें रिजॉर्ट है। कुछ खाके इको पार्क सैर करने निकलेगा तो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, जो आराम से तो इधर मुख बार कर रहे थे। खतरनाक दिख रहा है कलर उसका, जिंदा है कि मर गया, मर गया तो ये है गाइस बंगाल विलेज, यहाँ पे ₹10 पर पर्सन हेड लेते हैं। यहाँ पे रथ टाइप का बनाया है, ऊपर श्री कृष्ण है, नाइस, एंड ये एक फार्मर का पुतला है। तो गाइस अभी हम गांव में घुस गए। ये छोटे छोटे
घर है, पुराना टाइप का लैंटेन है। सो एक टिपिकल सा बंगाली विलेज है। सीरियसली बहुत इसमें जब लड़के लोगों का शादी होता है तो लेके जाते हैं, उसी का एक वर्जन है। ये सब रियल है। ये गाइस गोभी है, पत्ता गोभी, ये रियल वाला है। तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा ये फूड व्लॉगिंग चैनल है, तो अभी हम यहाँ से ही सब्जी खरीदेंगे और बना के खाएंगे। अब फूड का बात हो ही गया है तो भूखे हम कैसे रह सकते हैं, तो यहाँ पे फूड कोर्ट्स भी अवेलेबल है। ये है वाओ मोमो, इसके साइड में ही एक फैमिली चिकन नाम का एक आउटलेट है, एंड आइसक्रीम रोल्स भी अवेलेबल है, एंड ये दूसरा और एक आउटलेट है जहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। आप देख सकते हैं गाइस, इसके साइड में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। देखिए आगे चल के देखते हैं और क्या क्या है। सो आगे एक पुचका का भी स्टॉल है। सो खाने पीने के लिए बहुत सारे सामान है। सो गाइस हमने यहाँ पे बर्गर लिया है, एंड साइज आप देख सकते हैं, मोटा सा बर्गर है। इसका प्राइस 120 रुपीज है। साइज के हिसाब से टेस्ट ठीक ही है। तो बेसिकली इस चिकन बर्गर के अंदर मेयोनीज डाला है, एंड लैक्टस है, एंड ऑनियन था। सो कुल मिला के उतना ही है। थोड़ा हल्का सा ड्राई लगेगा, बट अगर आप सॉस डाल के खाएंगे तो ठीक लगेगा। सो गाइज ये चिकन स्ट्रिप है और इसका वो ये बोनलेस है, और प्राइस इसका तीन पीस के लिए 130 रुपीज़ है। इसके ऊपर सॉल्ट डाला है, थोड़ा स्पाइस भी डाला है, ठीक ही है टेस्ट। सो गाइस देयर आर अ लॉट ऑफ फूड कोर्ट्स इन इको पार्क। और इतना बड़ा इको पार्क है कि मैं क्या कहूँ। वो देखिए दूर में फाउंटेन है, काफ़ी दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग हैं। सो गाइज ये है एंट्री काउंटर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का। पर हेड 30 रुपीज ही पड़ता है यहाँ भी। ये है पिरामिड्स। सो गाइज दिस इज पेट्रा जोर्डन। ये पेट्रा और जोर्डन के अंदर है गाइज, हम काफी अंधेरा है। ये आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एंड दिस इज द कोलिजियम ऑफ रोम। तो देखिए आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सब पिलर्स हैं, इधर से रास्ता है। सो गाइस ये अंकल है, अंकल हाय बोल दीजिए। आंटी है, हेलो, एंड दिस इज भाभी जी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर से खड़ा होकर ताजमहल देख पा रहा हूँ। सो गाइस अभी पूरा इको पार्क तो नहीं घूम पाए, लेकिन मतलब जितना इम्पोर्टेंट जगह था सब हम घूम लिए हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ मैं एंड ऑल ऑफ अस। सो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए, शेयर करके बताइए, मुझे पता चल जाएगा। आई विल सी यू इन अनदर वन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।